कहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक अपने रिश्ते को बटोर कर चलना चाहिए। कभी भी किसी भी शख्स के साथ अगर मन मुटाव हो जाए तो इसी जिंदगानी में उसे ठीक कर लेना चाहिए। अब यही कुछ हुआ सलमान खान के साथ। ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर के निधन की वजह से पूरा बॉलीवुड, पूरा हिंदुस्तान या यूं कह लें पूरी दुनिया काफ़ी शोक में रही। तो वहीं अब सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक श्रद्धांजलि दी है ऋषि कपूर को। उन्होंने लिखा है, कहा सुना माफ हो चिंटू जी, रेस्ट इन पीस। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों ऋषि कपूर के निधन के बाद सलमान खान उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। वेल, वाक्या थोड़ा पुराना है। बात उस समय की है जब सोनम कपूर की शादी हो रही थी। उस शादी में बहुत लोग इकट्ठे थे। वहाँ सलमान खान की सिस्टर इन लॉ सीमा खान भी थी। वहाँ सीमा खान और ऋषि कपूर के बीच में बहसा बहसी हो गई। ऋषि कपूर ने गुस्से में आकर सीमा खान को बहुत कुछ सुना दिया। वैसे भी ऋषि कपूर अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते थे। अब इसके बाद जब सलमान खान को ये बात मालूम चली तो सलमान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उन्होंने ये कहा, जो मेरी फैमिली की इज्जत नहीं कर सकता है उसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे इज्जत नहीं दूंगा। इसके बाद कभी भी जब भी ऋषि कपूर की बात होती थी सलमान खान टाल देते थे। सलमान खान कभी भी ऋषि कपूर से बात करने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन अब जब ऋषि कपूर की मौत हो गई है, मौत के बाद अब सलमान खान उनसे माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, कह रहे हैं, कहा सुना माफ हो चिंटू जी, रेस्ट इन पीस।